आज तो मैं, शुक्र है अल्लाह मेरी जॉब लग गई। तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा फैसला ठीक रहा है अल्लाह। चलो अच्छा है, मुबारक हो तुम्हें, ये भी करके देख लो जब तक तुमसे हो सके। क्यों नहीं होगा भाई, पैसे भी तुम ही कहती थी ना कि मैं तुम्हारा हर काम बिगाड़ देती हूँ। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोगों में नहुसत भी तो होती है ना। जी जी, मेरा भी ना यही ख्याल है। जब से मैंने तुमसे अलग काम करने का सोचा है ना, मुझे फौरन जॉब मिल गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तेरी किस किस नेमत को जुटलाऊं अल्लाह। एक मिनट, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मुझे भी एक ऑनलाइन बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है और तुम देख लेना मैं कितने पैसे कमाती हूँ। अब वैसे तुम भी काम करोगी, मैं भी काम करूंगी, तो इस घर का काम कौन करेगा? इसकी टेंशन तुम मत लो, इसका बंदोबस्त भी मैंने कर रखा है। हम एक मुलाजमा रखेंगे जिसकी आधी तनख्वाह तुम दोगी और आधी मैं दूंगी। और हाँ, एक बात याद रखना, इस पूरे घर का जितना भी खर्चा होगा ना, आज से वो आधा आधा होगा, समझी? बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा, वरना सारे पैसे मेरे लगा देती थी तुम। क्या, मैं उड़ा देती थी? ओ हेलो, ये मेरा ही ब्रेन है जो ये सारा घर चल रहा है, वरना तुम तो सड़कों पर भीख मांग रही होती, समझी? हाँ हाँ, ये भी करके देख लेते हैं हम। वैसे तुम्हारी ये नौकरानी कब आएगी? सबर सबर, आ जाएगी, कल का टाइम दिया हुआ है उसे। ये ले बाजी चाय। बाजी? हाँ बाजी, आप मेरे से कुछ ज्यादा बड़ी तो है नहीं है, तो मैं ना आपको बाजी कहूंगी अपने काम के हिसाब से। तुम मुझे सैंडी भी तो कह सकती हो। ना ना बाजी, अल्लाह मेरी जुबान छाड़े, मैं आपका नाम लूं। रखा आपने मुझे है, तनख्वाह आपने मुझे देनी है। वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, अब इस घर में ना हुक्म भी आपका चलना चाहिए। हाँ कह तो तुम सही रही हो, पर वो नहीं मानेगी ना। आय हाय, कैसे नहीं मानेगी? मेरा मतलब है कि आप ना जरा पक्का सा मुंह बना के कहें, थोड़ा रोब शोब डालें, अपना मुकाम पे जाने इस घर में। अच्छा जाओ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। आय हाय मेरी पोली बाजी, मेरे पे रोब नहीं डालना, उस पे डालना है। अच्छा अच्छा, मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी ना। शीदा सुनो, आज ना मेरी फ्रेंड आ रही है खाने पे, तुम ना कुछ अच्छा सा बना लेना। कौन सी फ्रेंड? माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड यहाँ इम्तिहान देने आ रही है? मैं ना तुमसे फजूल बात नहीं करना चाहती। अब शीदा तुमने सुन लिया है ना? देखें बाजी, आप ना मुझे शीदा ना कहा करें, मैंने ना अपना मॉडर्न नाम रख लिया है, शीन। अब ना आपने मुझे शीन कहना है। बस बस, तुम तो चुप करो, और मैं इस तरह के फजूल खर्चों की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। तुमसे इजाजत मांग भी कौन रहा है? एक तो तुमने मुझसे इजाजत नहीं ली है, ऊपर से तुम्हारी फ्रेंड यहाँ आके खाना भी खाएगी। क्यों? खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख लगती है इसलिए। शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। नहीं नहीं, बस मैंने सोच लिया है, इस घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा, किसी ना किसी एक को तो बड़ा होना पड़ेगा ना। ये किसने गलत फहमी डाल दी है? शुक्र है इसी बहाने तुमने खुद को बड़ा तो तस्लीम किया है। वैसे ना मेरी तरफ से तो आप दोनों ही बड़ी हैं। तुम तो चुप करो। अच्छा अच्छा लड़े, मैं जरा बाहर का चक्कर लगाती हूँ। बैठो, ये तुम क्या हर वक्त बाहर जाने का बहाना ढूंढती रहती हो? खबरदार, यहीं पे बैठो और काम करो। वैसे तो आप लड़ती रहती हैं आपस में, जब मेरे बारी आती है तो आप इकट्ठी हो जाती है। आए अल्लाह, कोई गरीब भी ना हो, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, फिर आप दोनों को मेरी कदर होगी। वैसे अक्सर लोगों को ना मेरे जाने के बाद ही मेरी कदर होती है। वैसे ना एक बात कहूँ, अगर तुम बोलो नहीं ना, तो तुम्हारे फैशन और तुम्हारा हुलिया देख के ना कोई ये नहीं कह सकता कि तुम कोई काम करने वाली हो। शुक्रिया बाजी, वैसे ना आप भी किसी से कम नहीं है। वो बाजी, अम्मा की दवाई लेनी थी।
आज तो ये मुमकिन नहीं है, तुम कल चली जाना। चली तो मैं परसों भी जाऊंगी, पर लूंगी किससे? ऑफ कोर्स मेडिकल स्टोर से लोगी ना, किसी ब्यूटी पार्लर से तो नहीं लोगी। नहीं नहीं, अब मेरा मतलब है कि पैसों से आएगी ना दवाई। अरे नहीं पागल, तुम्हारे पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी आ जाएगी। बाजी पैसे चाहिए मुझे। ओह तो ऐसे कहो ना कि पैसे चाहिए, तो जाके ले लो मैंडी से। तो आप भी तो कुछ करें ना। हाँ ना, तो मैं करूंगी ना, मैं तुम्हें मेडिकल स्टोर ले जाऊंगी। अच्छा तुम ठीक से दबाओ, ज्यादा बातों में ना लगाओ। दिल तो कह रहा है तेरा गला दबा दो। क्या? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अरे ये क्या कर रही हो? ओ सैंडी, ओ मैंडी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम क्या बार बार सलाम करती रहती हो? यूरोप से आ रही हो तुम? बाजी क्या हुआ, आप तो बड़े गुस्से में लग रही हैं। यार सैंडी ना मुझ पे ख्वामखा रोब जमाती रहती है। मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? मैं नहीं बताऊंगी। अब बताओ। नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी। अरे मैंने कहा है ना बताओ। आप ना उन पे तवीज करा दें। नहीं नहीं नहीं, मैं ना इन चीजों को नहीं मानती। आप माने या ना माने, बड़ा असर होता है, चलते दरिया रुक जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई दरिया नहीं रुकवाना, यहाँ पहली पानी की शॉर्टेज है यार, सारे दरिया खुश पड़े हैं। हाय बाजी, दरिया कोई नहीं रोकने, उनसे पीछा छुड़वाना है। बस थोड़े से पैसे लगेंगे। पैसे? अब कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। आप मेरी बहनों जैसी हैं। मैंने तो सुना था तुम्हारी बहनें बहुत खराब हैं। गलत सुने। मैं क्या कह रही थी कि आपका सिक्का चलना चाहिए, आप बहुत अच्छी हैं ना। तो अब क्या मैं जाली सिक्के बनाना शुरू कर दूं? ओ जी, डंडा पीर साहब मेरे वाकिफ हैं, उनका तवीज पीने वाला ना कुत्ते की तरह दुम हिलाता फिरता है आगे पीछे। कुत्ते की तरह काटना ना शुरू कर दे। हाय हाय, नहीं काटेगा, सिर्फ 2,000 रुपए का खर्चा है, काम होने के बाद जो मर्जी दे देना अपनी खुशी से, अपनी शीन को। अपनी शीन को? मेरा मतलब है जी मुझे। अच्छा। ओ जी, मुलक के मुलक उजाड़ देते हैं बादशाह लोग अपनी नाक के लिए, और आप इतना सा नहीं कर सकती। अगर आप कहती हैं तो उनको यहीं बुला देती हूँ धुनी देने के लिए। अरे वो तो मैं भी दे सकती हूँ, एक धुनी धुनी, दो धुनी चार, कैसा? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। लेकिन ये वो वाली धुनी नहीं है, ये दम वाली धुनी है। हाय अल्लाह, आ गई है तुम, मुझे तो लगा पैसे लेके भाग ही गई हो। हाय अल्लाह बाजी, कैसी बातें कर रही हैं आप, हमारा भी कोई वकार है। पता कितनी महंगाई हो गई है, 200 रुपए का उधार करके आई हूँ, पूरा 5,000 रुपया लग गया है। 5,000? इतनी महंगाई हुई नहीं है जितनी तुमने कर रखी है। बाजी आप मुझ पे शक कर रही हैं? जी नहीं, मैं तुम पे शक क्यों करूंगी, मुझे तो तुम्हारी हरकतों पे पूरा यकीन है, तो आप खुद चली जाया करें ना। गरीब आदमी को 4 पैसे बच जाए आपसे बर्दाश्त नहीं होता। कौन गरीब आदमी? देखें जी, भावताव करके जो 4 पैसे मैं बचाऊंगी वो तो बचत मेरी है ना, वो तो आप मुझे ही देंगी ना। क्या बना रही हो आज? फिलहाल तो ये हम दोनों को ना उल्लू बना रही है। हमें नहीं तुम्हें। अब तुम ना चिकन कढ़ाई बना लेना और साथ में एक वेजिटेबल की डिश भी बना लेना। जी नहीं, मैं डाइटिंग पर हूँ और सिर्फ सी फूड बनेगा। तो ठीक है, फर्स्ट यू सी देन फूड। अब मेरा मतलब है फर्स्ट यू सी देन मीट। जी नहीं, तुम फिश बनाओ। मैं जो कह रही हूँ तुम वही बनाओगी। क्या मतलब है, मैं अब अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकती? जरूर खाओ, लेकिन पकेगा मेरी मर्जी से। मैंडी तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम्हें मेरी पसंद का एहतराम करना चाहिए, और हो सके तो मेरा भी। तुम्हें भी मेरी पसंद का एहतराम करना चाहिए, वी आर सेम। हाय बीबी जी, आप कितना लड़ती हैं दोनों, इतना तो हम गरीब भी नहीं लड़ते। तुम चुप करो। देखा फिर दोनों इकट्ठी हो गई है, मेरी बारी आई है तो अल्लाह, तू तो देख रहा है ना।
अरे चुप करो ना यार तुम तो। मुक्के वाले तो बुरा हाल हो रहे। चार बज गए और अभी तक आने का दूर दूर तक नहीं पता है। कहाँ रहेगी ये शीन? शीन, शीन, अरे ओ शीता। मेरा तो पेट भूख से दुखा जा रहा है। शाम होने को आ गई है, अभी तक खाने का कुछ पता ही नहीं है। क्या मुसीबत है यार। शन्नो, ए शाहीन, पता नहीं कहाँ मर गई है ये। खाने के साथ जब तक लस्सी ना पीऊं, ऐसे लगता है जैसे कुछ अधूरा सा रह गया। लो बिशीन साहबा, अपना पेट तो भर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मर जानी है, खाए ना खाए मरे, मेरी तरफ से हर वक्त ही लड़ती रहती है, ये बना दो वो बना दो ये बना दो, किसी एक चीज पर तो टिकती नहीं है। शीन, आ रही हूँ आ रही हूँ। शीन जी, जी तुमने फिश बना ली, इसीलिए तुम्हें इतनी देर हो गई। वो जी, अब मैं आपका हुक्म मानूं या उनका? हाँ, मेरे लिए तो आप दोनों ही बराबर है ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन खाना बनाने में इतना टाइम तो नहीं लगता, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है जी। तो तुम कर क्या रही हो इतनी देर से, इतना टाइम क्यों लगा दिया? देखें जी, अगर मैं फिश बनाती तो उन्होंने नाराज हो जाना था, और अगर मैं चिकन कढ़ाई बनाती तो आपने नाराज हो जाना था, तो मैंने सोचा कि झगड़े को खत्म ही कर देना चाहिए, मैं कुछ बनाती ही नहीं। मेरी यहाँ पे भूख से जान निकली जा रही है और तुमने कुछ बनाया नहीं है, मैं क्या खाऊंगी अब? वो जी, मैंने ना साथ वाले लड़के से ना दाल मंगवाई थी, शायद थोड़ी सी पड़ी हो, मैं अभी लेके आती हूँ आपके लिए, ठहरे आप। दाल? अब मैं दाल खाऊंगी। तुमने खाना बनाया? लो जी, आप दोनों किसी एक चीज पे इत्तेफाक तो करती नहीं है, अगर एक ही पसंद बनाऊंगी तो दूसरे की रह जाएगी। तुमने खाना खा लिया? हाँ जी, मैंने तो वो साथ वालों से दाल मंगवा के खा ली थी। कितनी बुरी हो तुम, मुझे इतनी भूख लग रही थी। जाओ जल्दी से कुछ खाना लेके आओ मेरे लिए। जहर दे दूँ? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है जी कि मैं आपको अंडा बना के देती हूँ। प्लीज जल्दी करो। है बना दिया, जल्दी से जाके पिला दें आप। मेरी प्यारी बहन, तुम मुझसे कुछ कह रही हो तो और किससे कहूंगी यार। देखो, इस लड़ाई झगड़े का क्या फायदा है? तुम्हें ही पता होगा क्या फायदा है। अब जब हमने इकट्ठे रहना है तो मिलजुल के रहना चाहिए ना। और ये देखो, मैं अपनी प्यारी बहन के लिए चाय बना के लाई हूँ। चाय? हाँ, मेरा कोई मूड नहीं है चाय पीने का। ऐसे कैसे नहीं पियोगे तुम चाय? मेरा मतलब है कि मेरे से ना गलती हो गई, ये चाय नहीं कॉफी है। हाँ कॉफी है, हाँ ले लो ना। मुझे ना तुम्हारे पास इस साजिश की बू आ रही है। अरे सैंडी यार, अब भला इस कॉफी में क्या साजिश हो सकती है, इतने प्यार से बना के लाई हूँ, पी लो ना। अच्छा इस कॉफी का कुछ अजीब सा टेस्ट नहीं है? अच्छा, अब भला इसमें मैं कोई तावीज? मेरा मतलब है कि जहर थोड़ी ना मिला सकती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके ओके, मैं कर दूंगी, थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज़। अरे वाह मैंडी, तुम्हारी कॉफी तो मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई है। तुम्हें पता है, मेरे न्यू जॉब से मुझे नया प्रोजेक्ट मिल गया है। अच्छा कॉफी का है, मैं फिनिश कर देती हूँ। ये क्या, इसमें तो मक्खी गिर गई है। क्या? तुमने मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। सारी मेहनत?
कैसी मेहनत? अब मेरा मतलब है कि मैंने इतनी मेहनत और प्यार से बनाई थी ना। हाँ अच्छा तो तुम दूसरी बना दो ना। दूसरी बार तो तभी नहीं डाल सकती है। क्या कहा तुमने? अब मेरा मतलब है कि कॉफी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं ट्राई कर लेती हूँ। है सारा प्लान ही खराब कर दिया पकड़ के। आप मक्खी पे नजर नहीं रख सकती थी? क्यों गिरने दिया उसको बीच में? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मक्खियों से मेरी दोस्ती है। अब हम क्या करेंगे? दूसरा तावीज कहाँ से लाएंगे? आपके 2000 पे और लगेंगे। हाय बाजी, आपने शीन को समझा क्या हुआ है? ये देखें, मुझे पता था आपसे तो एक बार में ये काम होना नहीं है, इसीलिए मैंने एक तावीज फोटोस्टेट करवा के पहले ही रख लिया था। क्या ये फोटोस्टेट का भी काम करेगी? और इसका उतना ही असर होगा जितना ओरिजिनल का होता है। हाँ जी, वो जो डंडा पी रहे हैं ना, वो भी फोटोस्टेट करवा के देते हैं। ठीक है, तुम ना बस जल्दी से कॉफी बना लो, फिर हम इसे कॉफी में घोल के उसे पिला देंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। शीन, शीन, आज तो मुझे चाय पिला कर गई है मैंडी, मेरी तो बड़ी खातिरें हो रही है। हाय हाय बाजी, कितनी भोली हैं आप, वो ना आपको चाय में तवीज घोल घोल के पिला रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, उसने तो मुझे कॉफी पिलाई है। चाय हो या कॉफी, आपने पहले कभी चाय कॉफी पी थी? ये उन तवीजों का असर है। अच्छा, क्या ये तवीज असर करते हैं? हाय मेरी भोली बाजी, इन तवीजों से ना लोगों के कारोबार तबाह हो जाते हैं, लोगों के बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, और ना लोग काला जादू करवा देते हैं। अच्छा तो फिर? हाय बाजी, मैं तो बस बद्दुआ ही दे सकती हूँ, अल्लाह करे उसका। अरे नहीं नहीं, ऐसे ना करो, इसके अलावा कुछ और बताओ। और इसका पता क्या करें? आप ना इसका तोड़ करवा लें। मेरे ना एक जानने वाले हैं पसूड़ी शाह, वो ना एक तवीज बना के देते हैं 5000 का, और अगर वो असर ना करे तो दूसरा तवीज बना के देते हैं, सुपर तवीज, 10000 रुपया लेते हैं उसका, उसको कहते हैं डिजिटल तवीज। मुझे तो लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं उस मेंढी की बच्ची ने तवीज को धोया भी था कि नहीं, ऐसी ले आई थी। ले भला, तवीज भी कोई धोने वाली चीज है, अगर उसको धोएंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा। वो तो जैसा उस पीर ने दिया होगा ना, से गंदा मंदा, उसने वैसे ही आपको पिला दिया होगा। तो फिर यही है कि अल्लाह उसका। अरे नहीं, ये क्या तुम बार बार झोली उठा लेती हो? ऐसा करो, तुम वो तोड़ वाला तावीज ले आओ। हाँ ठीक है। बाजी, मैंने ना आपसे एक बात करनी है। करो। छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं जब सब्जी लेने बाजार गई थी ना, तो मैंने सैंडी बाजी को किसी के साथ फोन पे बात करते सुना था, बड़ी हंस-हंस के बातें कर रही थी। हैं? और आपको पता है क्या कह रही थी? तावीज मंगवा रही थी। वो जो मैंने आपको तावीज नहीं ला के दिया था, उसका तोड़ करवा रही है वो। अब उन पे कोई असर नहीं होगा। हैं? अब तो फिर? तो फिर क्या, मेरी तो बद्दुआ है बाजी की, अल्लाह करे। बस बस, इसके अलावा कुछ? खैर छोड़े, आपके बस की बात नहीं है, आप भला इतना खर्चा कहाँ कर पाएंगी? तुम कैसे कह सकती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं? मुझे इस तोड़ के लिए कुछ भी करना पड़ा ना, मैं जरूर करूंगी। वाकई? आपके पास इतने पैसे हैं? पैसे? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ लेकिन ये चेन है मेरे पास। हाँ ये बेच दूंगी मैं। हाँ ये सही रहेगा। ये लो, बचा लो मेरी जान। बच गई समझे। तौबा तौबा बाजी, ये देखें, ये तवीज मैं उसके बैग से निकाल के लाई हूँ, बड़ा ही भारी इलम करवा रही है वो आपके ऊपर। भारी? क्या मतलब? ओहो बाजी, जो आप इलम करवाएंगी ना, वो उससे 10 गुना ज्यादा करवाएगी। उसके लिए ना बाबे चलाक शाह का चिल्ला करवाना पड़ेगा, वो ना कब्रिस्तान में जाकर। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी किसी कब्रिस्तान। आए हाय, आपने नहीं जाना, वो जाएगा कब्रिस्तान आपके लिए चिल्ला करने के लिए, तभी आपकी जान छूटेगी इन बदरूहों से। बदरूह है? कहीं तुम ना गायब हो जाना। आए
अल्लाह बाजी, मैं कोई बदरू जो गायब हो जाऊंगी। वैसे मुझे पता है आपकी ना मजाक करने की आदत है। अच्छा लाए 30,000 रुपया दे। वो बाबा जी कह रहे थे कि 30,000 रुपया लेके आना। आए, सदके जाऊं। चलाक शाके। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि 30,000 रुपए तो है ही नहीं मेरे पास। हाँ मेरे पास रिंग है लेकिन उसके तो इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। हाँ याद आया, मेरे पास एक और रिंग भी है, मैंने तुम्हें वो दे दूंगी, ठीक है? हाँ बाजी ठीक है, ये रिंगे बेच देते हैं, रिंगों का क्या है, जान रहेगी तो रिंगे दोबारा बन जाएंगी। हाय अल्लाह, मेरी बाजी को सलामत रखे, कुछ ना हो। बात सुनो, तुम मुझे कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रही? हाय अल्लाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं है, मेरी तो बद्दुआ है। अरे भाई बस करो। अच्छा ठीक है ना, मान लूंगी तुम्हारी बात। नहीं नहीं बाजी, मैं कुछ नहीं करूंगी अब, करने दे मैंडी बाजी को जो भी करती है वो। अरे यार अच्छा प्लीज नाराज ना हो। वो बाजी मैं ना 2-3 दिन के लिए ना पिंड जा रही हूँ, मेरे खालू फोत हो गए। ये तुम्हारे वही खालू है ना जो पिछले दिनों भी फोत हुए थे? नहीं नहीं जी, वो तो कोई और थे। तुम्हारी खाला को और कोई काम नहीं है? ना ना बाजी, मेरी कई खाला और हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। लो जी, मैं ना अपना कुछ सामान ऊपर भूल आई हूँ। इस सामान की बात तो नहीं कर रही थी तुम? है हमारी मुलाजमा तो बहुत ईमानदार है ना, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। ये कैसी बातें कर रही हैं बाजी आप? ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तो वक्ती तौर पर लड़ पड़ते थे, तुमने हमें लड़ाकर खूब फायदा उठाया। और हमें तो बहुत पहले ही पता चल गया था बच्चों, अगर घर में इत्तेफाक खत्म हो जाए तो तुम जैसी चलाको मासी इसका नाजायज फायदा उठाती हैं। हम तो दुनिया को चक्कर देते हैं और तुम हमें चुना लगाने चली थी। बाजी आपको कोई गलत फहमी हुई है। बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ, ये तो तुमने बेच दी थी ना। हाय बाजी। ओ संडी मंडी केड़ मंचर, रिस्की रिस्की दोनों, दिल अच्छा है जेनी तौर पे खिसकी खिसकी दोनों, एक दूजे को सहना पाए, जुदा जुदा भी रहना पाए, लड़ने को भी रेडी हो संडी ओ मंडी।